अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि हमें नियमित समय पर वेतन दिया जाए और जून जुलाई का वेतन हमारे खातों में डाला जाए। साथ ही जो पैसे हमारी सैलरी से कट रहे हैं उन्हें हमारे खातों में डाला जाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के तहसील अध्यक्ष दिनेश वैद्य ने बताया कि हम अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर पहले ही शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई है। दिनेश वैद्य ने बताया कि हमें जून जुलाई से वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारी मांग है कि ईपीएफओ जो कर्मचारी की सैलरी से कटता है उसे उनके खातों में डाला जाए। वहीं कर्मचारियों के यू हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। दो मार्च में लिख के दिया था मुझे कि आपकी दो मार्च में सारी मांगे मंजूर कर देंगे। दो माह बीत चुके हैं, अभी तक मेरी कोई मांगे मंजूर नहीं हुई। उसके बाद ना अधिकारी कोई मिलने आए हैं। जब से हम बैठे हुए हैं, जून एवं जुलाई दोनों माह का वेतन एक साथ डाला जाए। कर्मचारियों का वेतन माह एक तारीख से 5 तारीख के बीच में डाला जाए। कर्मचारियों का ईपीएफ जो काटा जाता है इनके वेतन से, उसको काट तो लेते हैं लेकिन इनके खाते में जमा नहीं होता। ईपीएफ भी स्थायी कर्मचारियों का काटा जाता है लेकिन ये भी खाते में जमा नहीं होता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।